तीन सूत्रीय मांग को लेकर धरने पर बैठे अखिल भारतीय स्वच्छाग्रही संघ ने धरने के आखिरी दिन मिट्टी का तेल लेकर प्रदर्शन करने लगे और आत्मदाह की चेतावनी भी दी, जिस पर मौके पर पहुंचे एडीएम प्रशासन प्रभुनाथ, एसपी सिटी विनय कुमार सिंह, सीओ कैंट प्रभात राय, सीओ कोतवाली बीपी सिंह ने आंदोलनकारियों से वार्ता की तथा उनकी मांगों को शासन तक पहुँचाने का आश्वासन दिया। इस दौरान पुलिस कर्मियों ने आंदोलनकारियों से केरोसिन के गैलन छीन लिए। आपको बता दें कि स्वच्छ भारत मिशन से जुड़े प्रदेश के स्वच्छाग्रहियों को गांव में लोगों को शौचालय निर्माण के लिए प्रेरित करने की जिम्मेदारी दी गई है। अगर इनसे प्रेरित करने पर कोई शौचालय बनवाता है तो इन्हें 75 रुपये प्रति शौचालय दिया जाता है। अगर इनका गांव ओडीएफ घोषित किया गया तो फिर से इन्हें 75 रुपया और दिया जाता है। लेकिन अब स्वच्छाग्राही सरकार ने मानदेय की मांग करने लगे, जिसको लेकर ये 5 दिनों से नगर निगम में धरना दे रहे थे और शुक्रवार को इन लोगों ने आत्मदाह की चेतावनी दी, जिसको देखते हुए जिला और पुलिस प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर इनसे वार्ता की और इन्हें आश्वासन दिया। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए संघ के प्रदेश अध्यक्ष रणजीत पांडे और एडीएम प्रशासन प्रभुनाथ ने कहा, हमारी मांगे पूरी हो, जय जवान पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, जय जवान पूरी हो, आवाज दो हमें कहे, आवाज दो हमें कहे, आवाज दो हमें कहे, चौधराई संघ एकता। आप लोग सरकार के अंग हैं, हम चाहते हैं कि आप लोगों के माध्यम से हम लोगों का एक दुख दर्द कहा जाए। इसी आपके गोरखपुर आपके गोरखपुर मेडिकल कॉलेज इससे पहले 96% हो गया है। सर हम लोगों पर कोई निगाह शासन प्रशासन से नहीं पड़ रहा, बताइए हम लोग क्या करें। रात दिन गाली सुनते हैं, गांव में जाते हैं, लोग तरह तरह की बातें करते हैं कि हम लोगों के बनवाओगे तो 75 रुपये मिलना है। जी सर, ठीक है ना, एक सर एक तो कल भी दिए थे। जी सर, तो हर जगह ऐसे करके जो नियम कानून है कि आप एक को प्रेरित करोगे वो एक्टिवेट हो जाएगा, उसको यूज करने में 75 रुपया मिलेगा। जी, फिलहाल अभी यही है, अभी वो भी नहीं मिला है, वो नहीं मिला है, नहीं मिला है। प्रेरित किया आप जो है सर, हमारा लमसम 85% शौचालय प्रेरित कितने किए, क्या पिछहत्तर जिले के आप अधिकारी हैं सर, हम आपसे नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे, बात क्योंकि हमारी सर जो माननीय मुख्यमंत्री जी ये शब्द कहे हैं तो क्या इस पर कुछ ध्यान दिया जा सकता है? तो हम आपकी डिमांड भेजेंगे, ठीक है ना, लेकिन जो अभी नियम है, नियम है 75 रुपया, ठीक है ना सर, वो तो नियम पहले से है, लेकिन जो ये मानदेय के लिए कहे इसको भेजेंगे, इस पर शासन विचार करेगा, यहाँ बैठने से नहीं विचार करने का, ना ही आपके आत्मदाह से कोई विचार करेगा, ठीक है। ये तो है, सर भेजा गया था लेकिन वो अपर सचिव से होता हुआ बस्ती डीपीआरओ साहब तक आया, डीपीआरओ साहब ने लिखकर भेजा शासन को कि स्वच्छाग्रही मानदेय की मांग कर रहे हैं, इसे शासन स्तर पर लागू किया जा सकता है। बस्ती को हो गया? जी सर, यहाँ से हर जिले के लोग आए, क्योंकि मैं प्रार्थना पत्र दिया था बस्ती के नाम से, गोरखपुर जिले से हम लोग हैं। ये आत्मदाह करें, गैलन वैलन लिए सर, टहल रहे हैं, क्या नाम है जी, जिला सर विशेष मरीज जायसवाल है कोई कंपीरगंज का सर जी, सर जी सर डीपीआरओ को भी बोला था, देख लें सर डीपीआरओ भेज दें, यदि इनके खाते में गया है तो उस हिसाब से इनको कर, ये नगर निगम में है सर, ये 2 गैलन लिए टहल रहे थे कि आत्मदाह करेंगे, ये कंपियरगंज का जिला अध्यक्ष है सर गोरखपुर का। अब बाकी हम लोग क्या मांगे नहीं सर, कौन किस गांव का, गुलरिया ग्राम पंचायत है कोई कंपियरगंज विकास खंड में, क्लियर कर दें सर, बाकी जो है जो बस्ती वाले हैं तो बस्ती भेज देता हूँ सर, वही है सर जो कल वहाँ गए थे सर, आप लोगों का मतलब क्या है, लेबर लाख काम कर रहे हैं सर,
ठीक है ना, पहले आप बनवाओगे 75 मिलेगा, ठीक है ना, बन के जब कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा पूरा गांव ओडीएफ, फिर 75 और मिलेगा, ठीक है ना। इसमें आप लोगों का जो आप प्रेरित करेंगे उसको 75 मिलेगा, जो लाभार्थी स्वेच्छा से बनाएगा उसमें आपको 75 नहीं मिलेगा, ठीक है ना, एकदम कंसेप्ट क्लियर हो। जिसको जिसको आप प्रेरित करके बनाएंगे उसी में आपको 75-75 रुपए मिलेगा, ठीक है ना। एक गलतफहमी मत रहना कि मेरे ग्राम पंचायत में, हाँ ग्राम पंचायत में यदि 300 है तो 300 पूरा मुझे मिल जाएगा, वो नहीं मिलेगा। यदि आप 300 आप प्रेरित करके बनवाएं कि आपका रोल रहा तब तो 75 रुपये मिलेगा, अदरवाइज जितना आपके प्रेरणा से होगा उतना होगा, ठीक है ना। जी 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 यही पैसा सर मिलने के लिए, देखिए हम लोग सब नहीं सर जी, हम लोग सालों से कर रहे हैं, चंपारण करके सारा काम करवा के सर जी अकेले दम पे स्वच्छ रही है, बिहार है क्या आदेश, उसके बाद भी 85% अपने गांव में दिए हैं, अरे अभी लेकिन 85% आ गए हैं ना। जी जी ठीक है सर, ठीक है सर, चलिए इन लोगों की बातें सुन लीजिए, जाओ सबसे आप जाएंगे जो आते हैं वहां चला जाएगा, भिजवा देंगे। आप अपर मजिस्ट्रेट साहब ने कहा कि मैं शासन को लिखकर दे दूंगा, सागरही हैं, इनके द्वारा ये डिमांड की जा रही थी कि इनका जो भी काम किए हैं इनको जो है अभी प्रोत्साहन राशि नहीं मिला है। सीडीओ सर से बात किया है, जनपद गोरखपुर में इनको प्रोत्साहन राशि 2 दिन पहले निर्गत भी किया जा चुका है, और इसमें जिन स्वच्छता गृहों के द्वारा इनके प्रेरणा से शौचालय का निर्माण कराया गया है उन्हीं को भुगतान हुआ है। इसके अतिरिक्त इसमें चूंकि इनका प्रदेश स्तर का एक संगठन बना के आए थे, कुछ इसमें बस्ती मंडल के भी हैं, तो उनसे भी बात नहीं हुई उनके जनपद में क्या स्थिति है, लेकिन हम लोग प्रयास है कि यदि इनके द्वारा जो भी काम किए हैं, जो इनके प्रेरणा से शौचालय बने हैं, जो इनका प्रोत्साहन राशि है वो 2 दिन पहले इनको चला गया है, उसको अभी DPRO को बुला करके हम क्लियर भी कर देंगे, और बाकी इनका ज्ञापन लिया, ये ज्ञापन चूँकि शासन को भेजा जाना है तो इसको हम शासन को अस्त्र भेज देंगे। इनके द्वारा तरीका अपनाएगा वो गलत है,